नवी मुंबई वाशी खाड़ी पुल से कूदकर एक पुलिस कांस्टेबल ने मौत को गले लगाया, जिसकी जानकारी नवी मुंबई पुलिस को आज सुबह हुई। लगभग 8 और 9 बजे के बीच पुलिस को इस बात की जानकारी हुई, तब उन्होंने लाश अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी। पुलिस कांस्टेबल के जेब से उसका आई कार्ड मिला, जिसकी वजह से इस बात की पुष्टि हो गई कि वो कांस्टेबल कमलाकर शांताराम धमनस्कर ही है। इस आत्महत्या के बाद अस्पताल में मृतक की पत्नी पहुंची, जिनका रो रो कर हाल बुरा था। वहीं नवी मुंबई पुलिस के साथ ही मुंबई पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पहुंचे। इस अवसर पर मुंबई पुलिस के डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार से बातचीत की गई। तब उनका यही कहना था कि कमलाकर का संपत्ति विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन अभी भी इस मामले की तफ्तीश बाकी है। कांस्टेबल हमारे गोवर्णी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल कमलाकर धमनस्कर, इनकी डेड बॉडी सवेरे वाशी खाड़ी के यहाँ मिली है और आगे की तफ्तीश वाशी पुलिस कर रही है। वो कल 9 बजे सवेरे ड्यूटी से चले गए और आज उनका वीकली ऑफ था। फिलहाल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इतना ही हम बता सकते हैं। सर, किसी तरह का उसके घर में तनाव था या ड्यूटी पे रहते हुए कुछ तनाव हुआ था, इस तरह की कोई बातें सामने आई क्या? कुछ चीजें हैं जो अभी वाशी पुलिस उसकी उनकी तफ्तीश में निकालेंगी, उसके बारे में मैंने कमेंट करना ठीक नहीं।